हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। हमारी बची हुई इडलियों का इस्तेमाल हम घर पर दोबारा कैसे करें। ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि हम पुरानी इडली ही लें, नई इडली भी बनाकर इसको बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता है ये। लीजिए, इडलियों को 4 पीसेस में कट कर लीजिए और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते को भी छोटा छोटा बारीक काट लीजिए। और फिर एक कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ी सी राई, जीरा, हींग, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और हल्दी डालकर अपनी इडली को उसमें फ्राई कर लीजिए। और लीजिए, तैयार है बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता, जो कि हम अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ। और वैसे भी घर पर भी हम चाय के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। और ये मेरा पहला वीडियो है। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट मैं इसमें और कर सकती हूँ।